चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए है सोमा मंडल, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन डी माधवीपुरी भुज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जया वर्मा सिन्हा। भारत सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जिससे वह यह भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई हैं। जया वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लाहोटी के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। सिन्हा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवाओं IRMS के एक अनुभवी सदस्य हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी रवि कन्नन, ऑप्शन सी गजल अलग, ऑप्शन डी कैलाश विद्यार्थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रवि कन्नन। असम के ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन को 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के चार प्रत्यक्षकर्ताओं में से एक घोषित किया गया है, जिन्हें अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार के समकक्ष के रूप में जाना जाता है। वह भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री के भी प्राप्त करता है और असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र CCHRC के निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। मदर टेरेसा का जन्म निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी मैसेडोनिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैसेडोनिया। 5 सितंबर को मनाए गए मदर टेरेसा के निधन के 26वें स्मरणोपरांत पर वैश्विक समुदाय एक असाधारण महिला का सम्मान करता है, जिसका अस्तित्व करुणा, परोपकारिता और मानवता की सेवा के लिए स्थायी प्रतिबद्धता के सिद्धांतों का प्रतीक है। अंजेजे गोंग सहे बोजाक सीहू के बाद में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई उत्तरी मैसेडोनिया के स्केब्जे में निकोला और ड्राना फाइल बोजाक सीहू के घर पैदा हुई। उनके माता पिता ने उन्हें शुरुआती वर्षों से ही मजबूत मूल्यों और सहानुभूति की भावना भर दिया था। इस प्रकार मानव जाति की सेवा करने के उनके अंतिम मिशन के बीज बोए गए। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। हाल ही में समाचारों में देखी गई लोक कला शैली पुल्लिकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है या संबंधित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। पुल्लिकली टाइगर डांस, जिसे हम कहते हैं, केरल की लोक कला रूपों में से एक है। ओणम त्योहार के चौथे दिन कलाकार अपने शरीर को पीले, लाल और काले रंग की धारियों से बाघ की तरह रंगते हैं और थाकेल, उडुक्कू और चेड़ा जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की लय पर यह नृत्य करते हैं। त्रिशूर जिले का स्वराज ग्राउंड इस कार्निवल की मेजबानी करता है, जिसमें लोग विभिन्न अद्वितीय रंगों और मुखौटों में दिखाई देते हैं। इस लोक कला का मुख्य विषय बाघ का शिकार है, जिसमें प्रतिभागी बाघ और शिकारी की भूमिका निभाते हैं। इसे कोचीन के पूर्व शासक महाराजा राम वर्मा सकथन थम्पुरन द्वारा पेश किया गया था, इसलिए यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का पांचवा सवाल। कौन सा राज्य लाडली बहना योजना लागू करता है या चलाई जा रही है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा और 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सहायता मिलती है यदि वे आयकरदाता नहीं हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय अगर 2.5 लाख रुपए से कम है। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की भी घोषणा की है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे अगले नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.